बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक नई अपडेट, नई न्यूज़, नई ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़र। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। आज हम बात करेंगे पेंशन की एज के बारे में। अभी पेंशन की एज के बारे में सिविल सर्वेंट तरमीमी एक्ट 2019 तैयार कर लिया गया है। तरमीमी एक्ट सूबाई असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की सूरत में 55 साल होगी और बिल कल ईवान में पेश कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 10 हज़ार मुलाज़मीन रिटायर होते हैं सालाना तौर पर। सूबाई हुकूमत को 30 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत ने सिविल सर्वेंट तरमीमी एक्ट 2019 तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत सिविल सर्वेंट 1973 की तरमीम की गई है। इस बिल के तहत सिविल सर्वेंट एक्ट के सेक्शन 13 की शिक ए और बी में तरमीम की गई है। इस शिक के मुताबिक तमाम सरकारी मुलाजमीन जो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की उम्र 45 साल से बढ़ाकर 55 साल कर दी, जो लोग अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं वो 55 साल तक रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट अगर आपने लेनी है तो फिर आपको एज पूरी करनी पड़ेगी। इस शिक में 60 साल की जगह 63 साल का हिस्सा दिया गया है, जिसके तहत तमाम सरकारी मुलाजमीन की उम्र 60 से 63 साल हो जाएगी। वाज़े रहे कि पेंशन की उम्र में इजाफे की मंजूरी कैबिनेट पहले दे चुकी है। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर ये अब बिल असम्बली में पेश किया जाएगा और इसमें बाकायदा तौर पर मंजूरी होगी। ये आज की बड़ी न्यूज़ थी, आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर रिटायरमेंट लेनी है तो 55 साल से पहले ले लें, वरना आपको 63 साल सर्विस पूरी करना पड़ेगी। ये इसमें अमेंडमेंट बाकायदा तौर पर कौमी सूबाई असम्बली से करवाई जा रही है और 63 साल तक आपको सर्विस करनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।